एसएससी सीजीएल डिस्क्रिप्टिव पेपर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ पेपर कोड 2716। ये पेपर आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कुछ एक स्टूडेंट्स जिन्होंने अपने टॉपिक पर बहुत अच्छा लिखा है, उनका पेपर आपके साथ डिस्कशन के लिए लिया जाएगा। ये पृथ्वीजीत दत्ता है। पृथ्वीजीत दत्ता जो है, यहाँ पर इनका एसएससी रोल नंबर है, ये आप देख रहे हैं, और ये इनका पेपर कोड है, और ये वो वेरियस पैरामीटर्स हैं जो यहाँ पर दिए गए हैं जिनके आधार पर आपको मार्क्स एलोकेट किए जाते हैं। पृथ्वीजीत दत्ता कोलकाता वेस्ट बंगाल से हमारे स्टूडेंट हैं। आइए देखते हैं इनका पेपर। आपको टॉपिक दिया गया है इस पॉपुलेशन ग्रोथ एन ऑब्स्टिकल टू बिकम टू एन ऑब्स्टिकल इन इंडियाज बिकमिंग अ सुपर पावर। ये जो हमारी जनसंख्या है, इतनी ज्यादा जनसंख्या जो है, क्या ये भारत के सुपर पावर बनने में एक बाधा है? ये टॉपिक आपको दिया गया है। अब हम देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है। ये लिखते हैं, इंडिया होल्ड्स द सेकेंड रैंक इन पॉपुलेशन आफ्टर चाइना, स्टिल इंडिया इज स्ट्रगलिंग टू बिकम अ ग्लोबल सुपर पावर डिस्पाइट हैविंग सच ह्यूज ह्यूमन रिसोर्सेज। सो डज द प्रॉब्लम लाई इन पॉपुलेशन ग्रोथ। आगे कहा जा रहा है कि पॉपुलेशन ग्रोथ इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनवायरमेंटल डैमेज। मोर पॉपुलेशन क्रिएट्स मोर यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड दस रिजल्ट्स इन मोर टॉक्सिक सब्सटेंसेस टू एनवायरमेंट। दीज टॉक्सिक आउटपुट्स आर ग्रेटर इन अर्बन एरियाज, स्पेशली इन स्लम्स। मोर पॉपुलेशन क्रिएट्स इमेंस प्रेशर इन अनएम्प्लॉयमेंट रेट। देखो अब ये क्या कर रहे हैं कि जो ज्यादा पॉपुलेशन है उससे क्या क्या नुकसान होता है उसको बता रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। दिस इज ऑलवेज अ हिंड्रेंस टू द प्रोग्रेस ऑफ नेशन। समटाइम्स अनएम्प्लॉयमेंट फोर्सेज यंग्स टूवर्ड्स एंटी सोशल एक्टिविटीज एंड टेररिज्म। दीज नॉट ओनली ब्रिंग डिसग्रेस टू नेशन बट ऑल्सो क्रिएट अनरेस्ट अक्रॉस द ग्लोब। पॉपुलेशन ब्लास्ट हैज एन इनॉर्मस प्रेशर टू द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट देमसेल्स। क्रिएट्स होना चाहिए यहाँ पर, पॉपुलेशन ब्लास्ट क्रिएट्स, ओके इस तरह से कर दीजिए, क्रिएट्स एन इनॉर्मस प्रेशर ऑन द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। द एक्सपेंडिचर लिमिट स्काई रॉकेट्स एंड दस लोअर्स द जीडीपी ग्रोथ। द ट्रेड डेफिसिट इज अ कैंसर टू नेशंस पाथवे टूवर्ड्स बिकमिंग अ सुपर पावर। To mitigate the roadblocks of becoming a superpower nation, the consequences of population growth should be mitigated. Various government schemes to provide education to certain age, skill enhancement will help to understand the importance of population control and increase deftness. More industries focus on Made in India project. SHGs will create ample job opportunities. India has the advantage of human asset but lacks the proper planning to capitalize. ओके, ये आगे देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है। मेनी टैलेंट्स गो वेस्टेड ड्यू टू पॉवर्टी, मैल न्यूट्रिशन, करप्शन। प्रॉपर विसल ब्लोइंग इज द क्राइंग नीड। मीडिया, गवर्नमेंट्स, सिटीजन्स ऑल नीड टू स्टेप फॉरवर्ड टू मेक द ड्रीम ट्रू ऑफ लीडिंग द नेशन टू द पिनाकल ऑफ सक्सेस। ओके, तो ये था इनका ऐसे। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको क्वेश्चन, ये क्या टॉपिक में क्या पूछा क्या गया है कि क्या ये जो हमारी इतनी जनसंख्या है ये बाधा है भारत के सुपर पावर बनने में, ये पूछा गया है। और अगर आप इनका ऐसे देखें तो इन्होंने बिल्कुल सही तरीके से एक्सप्लेन किया है। शुरुआत में क्या कहते हैं ये कि ज्यादा जनसंख्या का मतलब ही क्या है कि जो हमारे संसाधन है उनके ऊपर दबाव पड़ने वाला है, उनके ऊपर दबाव पड़ेगा तो पर्यावरण का नुकसान होगा। उसके बाद आगे इन्होंने कहा है कि अगर ज्यादा जनसंख्या होती है तो मोर पॉपुलेशन जो है ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है, बेरोजगारी दर, उसको जो है ये बढ़ाने वाली है। ओके, और उसके बाद इन्होंने स्टेप बाय स्टेप लेकर जो है उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर इनका ऐसे देखे तो मैं इनके मार्क्स आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। क्या इन्होंने रेलेवेंट लिखा? बिल्कुल लिखा, 6.5 नंबर इनके रेलेवेंसी के लिए हैं। स्पेलिंग एंड ग्रामर इनकी ठीक थी, 5 में से 4 नंबर हैं। वर्ड लिमिट ठीक है, 4 नंबर है। कंटेंट की क्वालिटी जो है वो इनकी बढ़िया है, उसमें इनको मिले हैं 6.5 मार्क्स। अगर आप यहां पर देखें कंटेंट क्वालिटी वेरी वेरी नाइस। आगे देखो फॉर्मेट, यस पैराग्राफ्स बनाए, बहुत बढ़िया इन्होंने पैराग्राफ बनाकर एक एक सेक्शन में अपने ऐसे को डिवाइड किया। लिखावट भी इनकी ठीक थी, 4 नंबर। इफेक्टिव सेंटेंसेस 4.5, कोहेसिवनेस 4 नंबर। टोटल ऐसे में इनके 37 मार्क्स हैं। आगे अब मैं आपको इनके लेटर पर ले आती हूँ। ये देखिए, ये लेटर है
आप अनिकेत सिंह हैं, हेड लाइब्रेरियन इन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, राइट अ लेटर टू मिस्टर आशुतोष टू सेंड अ बुक कैटलॉग। ये एक तरह से आपको दिया गया था कि आप हेड लाइब्रेरियन है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में, आपको मिस्टर आशुतोष को एक पत्र लिखना था और उससे बुक्स का कैटलॉग वगैरह मंगाना था, क्योंकि आप शायद कोई बुक्स वगैरह अपनी यूनिवर्सिटी के लिए ऑर्डर करना चाहते हैं। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, पिन दिस 28th October 2019, द मैनेजर ABC पब्लिशिंग हाउस, पिन सब्जेक्ट रिक्वेस्ट फॉर बुक कैटलॉग। डियर मिस्टर आशुतोष, आई रिसीव्ड योर नोट शोइंग इंटरेस्ट टू बी पार्टनर ऑफ आर लाइब्रेरी यस्टरडे। इट विल बी एन ऑनर फॉर अस ऑल्सो टू गेट योर कोऑपरेशन एंड सपोर्ट। द रिच कलेक्शन ऑफ बुक्स इन आर लाइब्रेरी इज अ वेल नोन फैक्ट टू ऑल। स्टिल वी आर ट्राइंग टू एनहांस आर कलेक्शन बिफोर द न्यू सेशन कमेंसेज। मोर ओवर फ्रॉम दिस ईयर Our university committee has decided to kick off free book bank service to needy students so that their talent does not go wasted due to pecuniary issues. To make such endeavor successful, we need more stocks of regular textbooks. Under such circumstances, I would request you to send the catalog containing books available to you so that we can sort out the list as per our demand. Thanking you, yours truly, signature Aniket Singh, head librarian, Kurukshetra University, और word count है इनका 161। तो बहुत बढ़िया लिखा हुआ ऐसे, बहुत बढ़िया लिखा हुआ letter, और जो letter है अगर आप ध्यान से देखें इसमें इनको कितने मार्क्स मिले हैं इनके ऐसे लेटर में, सॉरी 33.5, ओवरऑल 72.5 ये इनका स्कोर रहा है। वेल डन पृथ्वीजीत, वेरी वेरी वेल डन। अब अगले पेपर पर चलते हैं। अगला पेपर आपके सामने जो है ये निकिता राणा का पेपर है। निकिता राणा जो है ये सोनीपत से हमारी स्टूडेंट है। इज पॉपुलेशन ग्रोथ एन ऑब्स्टिकल टू टू इंडिया बिकमिंग अ सुपर पावर, ये टॉपिक दिया गया है। इंडिया लाइज इन द कल्चरल रीजन ऑफ इंडियन ओशन, अ जोन विद अनप्रेसिडेंटेड पोटेंशियल फॉर ग्रोथ इन द स्केल ऑफ ट्रांस ओशियानिक कॉमर्स विद अदर नेशंस। इंडिया हैज अ स्ट्रेटेजिक लोकेशन इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज, येट ग्रोथ इज एट स्लो पेस ओइंग टू its vast population. India has the world's second largest population only after China, and with the current rate we will soon become ahead of China. India is the fastest growing trillion dollar economy. It recently attained 6th rank in the world economy, beating France, and is expected to become 5th soon by overtaking UK. But still, on per capita income basis, India ranks 142nd owing to population size. देखो इतना बढ़िया इन्होंने यहां पर कहा ना कि ग्रोथ अगर देखें हमारी इकोनॉमी की तो हमारी ये पोजीशन है, लेकिन अगर हम पर कैपिटा की बात करें ये पोजीशन है। जाहिर सी बात है हमारी पॉपुलेशन का साइज बहुत बड़ा है। ऑल इवेंट्स इन नेचर आर इंटरलिंक्ड, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, क्लियरिंग फॉरेस्ट एरियाज फॉर हाउसिंग इंक्रीजिंग पॉपुलेशन मे लीड टू सिचुएशन ऑफ ड्राउट, लैंडस्लाइड, सॉइल इरोजन। इंडिया हैज वेल ट्रेन्ड ऑफिशियल्स टू फॉर्म पॉलिसीज फॉर बेटरमेंट ऑफ पब्लिक, बट द पॉपुलेशन साइज इज द मेजर रीजन ऑफ पॉलिसी फेलियर। बिल्कुल देखो कितने अच्छे से रेलिवेंटली चीजों को समझा रही है। इंडिया बीइंग अ सब ट्रॉपिकल कंट्री हैज ब्राइट फ्यूचर इन टर्म्स ऑफ सोलर एनर्जी फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ, द वास्ट लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज, एडवांसेस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कैरिंग आउट स्पेस एक्सप्लोरेशन ऑन इंडिजिनियसली बिल्ट टेक्निक्स लाइक चंद्रयान, इमेंस मैन फोर्स एंड लर्नड ऑफिशियल्स, दीज ऑल आर पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ बेटर ग्रोथ एंड मेकिंग इंडिया अ सुपर पावर। बट इफ प्रॉब्लम of hunger, shelter arise due to population, one cannot focus on technology advancement and become a superpower. India being fifth largest economy has the scope of becoming superpower if we attain population growth rate of 2.1 instead of 2.3. okay, तो इन्होंने एक positive note में कि अगर control कर लिया जाए तो ठीक है, वरना तो फिर ये हमारे लिए एक बाधा है। ये था इनका essay। अब आप आ जाइए इनके letter पर। You are Aniket Singh, जो head librarian है कुरुक्षेत्र university में। आपको लेटर लिखना है मिस्टर आशुतोष को, जो कि एक पब्लिशिंग हाउस चलाते हैं, रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड अ कैटलॉग ऑफ द बुक्स ही पब्लिशेस। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्रा, 27th October 2019, द मैनेजर XYZ पब्लिशर्स कुरुक्षेत्रा।
रिक्वेस्ट टू सेंड कैटलॉग ऑफ बुक्स. सर, एज द हेड लाइब्रेरियन इट इज माई ड्यूटी टू अवेल बुक्स टू स्टूडेंट्स ऑफ द यूनिवर्सिटी. अ लाइब्रेरी इज लाइक अ टेम्पल टू स्टूडेंट्स एंड अ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी मस्ट ऑलवेज बी एबल टू फुलफिल देयर नीड्स. द यूनिवर्सिटीज लाइब्रेरी नीड्स सम बुक्स दैट कुडेंट बी फाउंड एट अदर बुक स्टोर्स. एज एक्स वाई जेड इज अ फेमस पब्लिशिंग कंपनी एंड ऑल द बुक्स हैव एक्सीलेंट कंटेंट एंड आर रिटन बाई टॉप Top-notch writers, I hope to find those books at your store. Therefore, देखो therefore में last में ई लिखना भूल गए. Therefore, I need a catalog of books published by you containing the titles of the books, details of authors and prices of books. I'll be grateful if you could send me the catalog on above mentioned address. Thanking you in anticipation. Yours truly, Aniket Singh, Head Librarian और फिर Kurukshetra University. Words used 147. दोनों ही चीजें इन्होंने भी काफी अच्छी लिखी हुई हैं। अब हम चलते हैं अगले पेपर पर. आपके सामने ये पेपर है साहिल काजल का. साहिल काजल जो है ये देहरादून से हमारे स्टूडेंट है. ये इनका रोल नंबर, ये पेपर कोड. इंडिया हैज द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड. इन द कमिंग ईयर्स इंडिया इज गोइंग टू बिकम द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड. इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड. इज इट पॉसिबल फॉर इंडिया टू बिकम अ सुपर पावर. पॉपुलेशन ग्रोथ इज अ हिंड्रेंस टू आर कंट्रीज ग्रोथ. इट लीड्स टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज. इट एडवर्सली इफेक्ट्स फूड सिक्योरिटी. इट ऑल्सो क्रिएट्स अनएम्प्लॉयमेंट विच फर्दर इंक्रीजेज इंसिडेंट्स ऑफ क्राइम. This cutthroat competition also leads to brain drain. A large part of the government expenditure is allocated for the basic need of the people. This is an economic burden. ये वाला जो पॉइंट इन्होंने एक्सप्लेन किया कि बेसिक नीड्स ही हम पूरे करते रहते हैं, बहुत ही बढ़िया पॉइंट. On the other hand, population is an asset for development. The concept of demographic dividend can be used by India to become a superpower. A large population can also be a boon rather than being a bane. The example of China is an inspiration for our country. It has harnessed the potential of its people and China is giving a tough competition to the developed countries. India's population can be a blessing in disguise. The government has focused on job creation through schemes like Skill India, Mudra and Make in India. Population growth should be curbed to reach replacement fertility rate of 2.1%. This can be done by practicing a two-child norm. Poverty is the worst form of violence. India cannot become a superpower if poverty persists, which is linked to population. Population growth is a double-edged sword. ओके ये इनका ऐसे था जो काफी अच्छा लिखा हुआ. अब इनका लेटर ले रही हूं आपके लिए. अनिकेत सिंह, अब आपको नाम नहीं लिखना है एड्रेस में. दोनों ही एड्रेसेस में आपको नाम नहीं लिखना है. ये इसलिए दिया जाता है आपको लेटर में ताकि क्वेश्चन में रादर ताकि आपको पता हो कि एड्रेस किसको करना है और किसके द्वारा एड्रेस किया जाना है. चलते हैं आगे. सर, सब्जेक्ट, रिक्वेस्ट टू सेंड कैटलॉग ऑफ बुक्स टू आर यूनिवर्सिटी. I am the head librarian in Kurukshetra University. We are procuring new books for our library and I am writing this letter to send a catalog of books for our reference. We need to procure books in all categories. This includes fiction, biographies, science, magazines and literature. We are constructing a new library in our university and hence need to procure books in bulk. We request you to mention the price of each book in the catalog that will be sent by you. We also request you to mention all the newly arrived books in the catalog. I hope that you will send a catalog to our institute so that our students are benefited. Yours truly, Aniket Singh, Head Librarian, Kurukshetra University. अगला पेपर देखते हैं. अगला पेपर यहाँ पर देखिए, ये तन्मय जैन का पेपर है और तन्मय जैन जो है ये हमारे स्टूडेंट हैं जयपुर से. ओके, देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है. Population जो है it's a double-edged sword. For the skilled population can make a country superpower, while unskilled population can doom a country forever. Recently our Prime Minister has pitched for $5 trillion economy. Through there are many factors contributing to country's higher GDP, but the most important one is the labor factor directly related to population. As the census 2011, India is the youngest country in the world with a demographic dividend of 28
28 इयर्स ऑफ मीडियन एज। देखो देखो कितनी बढ़िया जानकारी इन्होंने यहाँ पर आपको दी हुई है। काफी सारे स्टूडेंट डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है उसको एक्सप्लेन करने में आपका जो है ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा ऐसे चला गया कि आपको डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में लिखना था। अभी भी काफी लोग जो है वो रेलेवेंट नहीं लिख रहे हैं। कुछ लोगों ने 2011 की जनगणना, हमारी इतनी जनसंख्या बताती है, उसमें इतने पुरुष हैं, इतनी महिलाएं हैं, इतने बुजुर्ग हैं, यूपी सबसे पॉपुलेटेड है, ये इतना पॉपुलेटेड नहीं है, वो जनगणना क्या कहती है, वो सेंसस क्या कहता है, उसके बारे में आपका 80% ऑफ द ऐसे था। ओके, रेलेवेंट लिखना सीखिए, रेलेवेंट लिखना बहुत जरूरी है। इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू हैव 39% शेयर ऑफ यूथ इन टोटल पॉपुलेशन बाय 2020। सच अ लार्ज पॉपुलेशन कैन बी ऑफ इमेंस बेनिफिट लाइक इंक्रीज इन द टैक्स बेस ऑफ द मार्केट ऑल्सो इंक्रीजेज, मोर रूम फॉर इनोवेशन एंड कंज्यूमर स्पेंडिंग। हाउएवर हाई पॉपुलेशन इज ऑल्सो अकम्पनीड बाई वेरियस चैलेंजेस लाइक इंक्रीज्ड क्राइम रेट, ह्यूज एक्सपेंडिचर टू पब्लिक एक्सचेकर। इफ प्रॉपर स्किल्स आर नॉट इम्पार्टेड देन स्किल्स कैन रिजल्ट इन इनइक्वालिटी इन इनकम्स, फर्दरिंग टेंशंस बिटवीन रिच एंड पुअर। पुअर्स कुछ नहीं होता, काफी लोग पुअर्स लिखते हैं, दिस इज इनकरेक्ट। डिस्पाइट मेनी प्रॉब्लम्स गवर्नमेंट हैज टेकन मेनी स्टेप्स सो दैट वी कैन रीप द बेनिफिट्स ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड। इट हैज प्रपोज उन्नति स्कीम टू प्रोवाइड स्किल्स टू मनरेगा वर्कर्स। Recently, the Assam government not to provide government jobs to family is a right in the यहाँ पर इन्होंने थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिस की है। असम गवर्नमेंट ने रिसेंटली वो लेकर आए हैं कि पहल कि जिनके भी दो से ज्यादा बच्चे होंगे वो सरकारी नौकरियों के लिए इलेजिबल हो जाएंगे। बहुत अच्छा इन्होंने मैंशन किया, देखो करंट से कितने बढ़िया तरीके से इन्होंने रिलेट किया है। आप जो करंट न्यूज अगर अपने इसमें यूज करेंगे ऐसे में जबरदस्त आपके मार्क्स आने वाले हैं। इन 1950s बोथ इंडिया एंड चाइना वर इक्वल, बट चाइना प्रोवाइडेड स्किल्स टू इट्स पीपल एंड नाउ इट्स रीपिंग द बेनिफिट्स ऑफ द डेमोग्राफिक डिविडेंड। यहां पर आगे है, इट्स हाई टाइम इंडिया शुड पे अटेंशन टू इट्स डेमोग्राफिक डिविडेंड इन ऑर्डर टू बिकम अ सुपर पावर। ओके, ये था इनका ऐसे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अब मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि ये लास्ट पेपर था मुझे जो आपके साथ डिस्कस करना था, और अगर आप हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर आपको जो डिटेल्स हैं वो नजर आएंगे, यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, वेबसाइट भी दी हुई है आपको और जिस नंबर पर कॉल करना है वो भी आपको दिया गया है। लिखिए जरूर, कीप राइटिंग, आप लिखते रहिए और साथ ही साथ अपने पेपर्स जो है इवेल्युएट करते रहिए, उससे बहुत इंप्रूवमेंट आएगा। I wish you all the best. Thank you so much for watching. Bye-bye.